बढ़ते और विप्रो ने अनुमान से कमजोर नतीजे पेश किए हैं। चौथी तिमाही में मुनाफे और डॉलर आय में दबाव देखने को मिला है। नतीजों के साथ कंपनी ने 445 रुपए प्रति शेयर के भाव पर 12,000 करोड़ के बायबैक का भी ऐलान किया है। नतीजे और आगे के आउटलुक पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है कंपनी के CFO जतिन दलाल। जतिन, बताइए कि गाइडेंस, पहली तिमाही के गाइडेंस को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये थोड़े कमजोर नजर आ रहे हैं और जिस तरह से की डिमांड ट्रेंड्स दिख रहे हैं, तो क्लाइंट को लेकर क्या कॉन्फिडेंस वापस लौट रहा है क्या? जैसा कि आपने देखा होगा, हमारा जो क्वार्टर का परफॉर्मेंस है वो काफी मैं ये कहूंगा कि जिस तरह हमारा एक्सपेक्टेशन था उसके मुताबिक रहा है। हमने जो गाइडेंस रेंज दी थी वो गाइडेंस रेंज के विदिन हमने परफॉर्मेंस किया है। रेवेन्यू का पूरे साल का अगर आप FY23 का परफॉर्मेंस देखे वो भी काफी अच्छा रहा है। 11.5% और कॉन्स्टेंट करेंसी में हमारा जो ग्रोथ रहा है FY23 में। अगर आप नियर टर्म आउटलुक का सोचे तो हमें ये लग रहा है कि थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है एनवायरमेंट में और उसकी वजह से जो हमारे कस्टमर हैं उन्होंने जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड रहता है उस पे थोड़ी अहमियत रखी है, थोड़ी कॉशियसनेस उसमें हमको देखने को मिल रही है। उसकी वजह से हमने जो गाइडेंस दिया है Q1 के लिए वो है -3% to -1%। और ये जो गाइडेंस है वो ये जो कॉशियसनेस मैंने जो बताई उसकी उसका रिफ्लेक्शन है Q1 के लिए। पर एक सेकंड में इसे स्टेप बैक करूं और ओवरऑल ट्रेजेक्टरी की बात करूं कि जिस तरह जो नई कैपेबिलिटीज है, जो नई टेक्नोलॉजीज है, उसकी जो डिमांड है वो काफी अच्छी है। जैसे डिजिटल, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड, इन सब कैपेबिलिटी कि हमारे कस्टमर को काफी जरूरत है। तो मुझे लगता है कि ये एक या दो क्वार्टर थोड़ी अनसर्टेनिटी रहेगी एनवायरनमेंट में, पर अगर आप सेक्युलर ट्रेंड की बात करें तो हमें इन सर्विस लाइन्स में वो सेक्युलर ट्रेंड काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। ठीक है जतिन, नमस्कार, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। तो आगे पहली तिमाही के लिए आपकी तरफ से आई की गाइडेंस तो जरूर आते हुए दिखी, बट एक बार मार्जिन्स पे आपसे समझना चाहेंगे। हालांकि रेवेन्यूज ने इस बार डिसअपॉइंट किया, पर आपने मार्जिन्स जो हैं कहीं ना कहीं उसको स्थिर रखा और 16.3% इस बार आपके ऑपरेटिंग मार्जिन सामने आए हैं। आगे के लिए क्या कुछ आउटलुक बन रहा है, क्या यहाँ से मार्जिन्स में थोड़े से और सुधार की आप उम्मीद कर रहे हैं? तो जैसा कि आपने बताया, मार्जिन का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। हमने Q4 में 16.3% ऑपरेटिंग मार्जिन डिलीवर किया है, विच इज फ्लैट एज Q3। Q3 to Q4 वॉज फ्लैट एट 16.3। और अगर मैं Q1, Q2 ये जो नियर टर्म क्वार्टर के लिए सोचूं, तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा जो पहला फोकस होना चाहिए वो है रेवेन्यू, कि कितना जल्द से जल्द हम रेवेन्यू ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में हम वापस चले जाएं। इसलिए जो हमारी कोशिश रहेगी वो रेवेन्यू ग्रोथ की रहेगी पहले। सब्जेक्ट टू दैट, हमें लगता है कि हमारे पास लीवर्स हैं कॉस्ट को मैनेज करने के लिए जिनपे हम पूरा काम करेंगे। और जो हमने जिस रेंज में हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पिछले कई क्वार्टर्स में रही है उसी रेंज के आजू बाजू हम रखने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू जतिन, आपने वक्त दिया और आगे के क्वार्टर्स के लिए बताने के लिए कि किस तरह के क्वार्टर्स आगे रह सकते हैं। चलिए